एटीट्यूड। और रोंडा बर्न ये जो लेखिका है, रोंडा बर्न ये जो लेखिका है, इन्होंने ये किताब लिखा हुआ है द मैजिक, जादू। आपको पता ही है कि द सीक्रेट मूवी आपने देखी होंगी, तो सीक्रेट मूवी जो है ना, तो सीक्रेट मूवी या सीक्रेट बुक वो भी इन्होंने लिखी है रोंडा बर्न ने। और जादू ये भी किताब इन्होंने लिखा हुआ है, और लेखिका है ये, अमेरिकन है। और यह किताब की कम से कम 40 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, 40 लैंग्वेजेस, और 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज इसकी वो बेच चुके हैं। मतलब इतना पॉपुलर बुक है ये, बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक है। और हम चाहेंगे कि ये बुक का हमको रीडिंग एक्चुअली करना है, मगर रीडिंग करने के लिए हमको टाइम यहाँ मिलेगा नहीं। तो मेरी ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग यह किताब खरीद लो। ऑनलाइन यह किताब उपलब्ध है, जादू नाम का। और ये किताब आप खरीदेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी सभी भाषाओं में ये किताब अवेलेबल है। और ये किताब आप खरीदेंगे तो बहुत आपके लिए अच्छा होगा। सो द मैजिक ग्रेटिट्यूड वर्कशॉप है, द मैजिक है ना। और इसके बारे में हम अभी बात करने वाले, चर्चा करने वाले हैं, शेयरिंग लेने वाले हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपकी जिंदगी यह किताब बदल सकती है। द मैजिक मतलब जादू, द मैजिक मतलब जादू। तो क्या आप जादू में विश्वास रखते हो? तो ऐसा बोला गया है रोआल्ड डाल करके कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह जादू कभी मिलने वाला नहीं है। रोआल्ड डाल 1916-1990 ये लेखक है, जो बोलते हैं कि आपको वो जादू मिलेगा नहीं। तो आपको जादू में अभी यह वर्कशॉप के लिए, तभी यदि आप विश्वास भी नहीं करते होंगे तभी यह वर्कशॉप के लिए कम से कम जादू में विश्वास करो। और जादू हाथ चलाकी मतलब चमत्कार ऐसा होते रहता है। और ये कैसा, मेरा माइक अभी भी म्यूट है, मेरी आवाज आ रही है अभी? आ रही है। तो आप जादू में कैसा विश्वास करेंगे? अभी टेम्पररी आप ऐसा करो कि भाई आप जादू में विश्वास कर रहे हैं ऐसा समझ लो। और जादू मतलब मैं कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ब्लाइंड फेथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जादू मतलब एक चमत्कार, वो चमत्कार हो जाता है, ठीक है ना। देखो आप बच्चे हैं, सब लोग आप बच्चे हैं, और आपकी जिंदगी बहुत मजेदार होती है, बच्चों की जिंदगी। बच्चे है ना हमेशा खुश रहते हैं, है ना। आप में बहुत बेहतरीन भावना होती है, आपको हर चीज बहुत अच्छी लगती है, हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है हर दिन। और इन सब में जादू की खुशी पाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको खुशी मिलती है, जादू की खुशी मिलती है इसमें, ठीक है ना। तो आप बड़े होंगे, जिम्मेदारियां, समस्याएं और मुश्किलें आपकी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल देंगी। आप बड़े होंगे है ना, जिम्मेदारियां आएंगी आपके ऊपर, समस्या आएंगी, मुश्किलें आएंगी, और आपकी खुशी गुब्बारे की हवा निकाल देंगी, आपका मोह भंग हो जाएगा। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो क्या होता है कि जमाने की मार, जिंदगी की ठोकर बहुत खानी पड़ती है, और वो करते 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 क्या होता है, जादू निकल जाती है। अभी आपको बहुत मस्त मजा आता है ना, किसी के साथ में खेलो, कुछ भी करो, इधर जम करो, उधर जम करो, ये एंजॉय करो, वो एंजॉय करो, ऐसा कोई कुछ बोलने वाला रहता नहीं, बस मजे वाला। जैसे जैसे बच्चे अभी अपने पास में 5वीं स्टैंडर्ड से लेके, 5th स्टैंडर्ड लेके 10वीं स्टैंडर्ड तक है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि वो जादू जो आपके इसमें जो एकदम थी ना, 4 साल के थे, 5 साल के थे, 7 साल के थे, वो जादू निकल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट। तो ये जो है जीवन का जादू, जो है जीवन का जादू वो वास्तविक है, जीवन का जादू वास्तविक है। आप अपना बचपना जिंदगी भर जी सकते हैं, तो इन जादुई वर्कशॉप का आनंद ले। ये जो वर्कशॉप हम करने वाले हैं 10 दिन का, ये हमारा 10 दिन का वर्कशॉप है, आज से 20 तारीख तक है, टोटल 11 दिन होते हैं। उसमें से 15 अगस्त का दिन हमने ऐसा रखा हुआ है कि जिस दिन छुट्टी है इसलिए हमने उस दिन वो हम गैप देंगे, और बाद में फिर हम चालू रखेंगे 16 अगस्त से लेके, ठीक है। तो यह जिंदगी है, और आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे जीवन का जादू वास्तविक है, आप अपना बचपना जिंदगी भर जी सकते हैं इन जादुई वर्कशॉप का आनंद ले। तो क्या आप जादू का अनुभव हरदम करने के लिए तैयार है? तो आप हैंड रेस कर सकते हैं कि यस, या आप चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते कि यस, है ना। आपका मैंने अनम्यूट करना आपको दिया नहीं अभी, क्या आप यह अनुभव हरदम के लिए करने को तैयार है?
बिल्कुल ठीक है ना। और अभी क्या है, कुछ लेखक ने लिखा था बहुत साल पहले की बात है, कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सभी उससे छीन लिया जाएगा और वापस लिया जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि जिसके पास है उसको अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सभी उससे लिया जाएगा, ये कैसे क्या है, ये बराबर नहीं ना, ये ठीक नहीं ना, ये अच्छा नहीं है ना। क्योंकि जिसके पास पैसा है उसको अधिक पैसा दिया जाएगा और जिसके पास पैसा नहीं है उससे छीन लिया जाएगा, ऐसा कैसा होगा, ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी जब हम देखते हैं कृतज्ञता के इसमें, तो मैजिक जो है ना वो कृतज्ञता के भाव में है। कृतज्ञता का हम शब्द यहाँ लगा देंगे तो हमको इस पूरे सेंटेंस का पूरा जो अर्थ वो निकल जाएगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, थैंक यू, ये इतना पावरफुल शब्द है, इतना मैजिकल शब्द है, ये इतना मैजिकल भाव है, कि जिसके भी पास, अभी वो जो कोट है पहले वाला, जो पहले वाला कोट है, ये कोट में भी हम लगाते हैं कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास से जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। कृतज्ञता मतलब धन्यवाद, जिसके पास में धन्यवाद है, जिसके पास में कृतज्ञता है, जिसके पास में वो भाव है कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का भाव है, और हरदम उसके पास में वो है, तो उसको जिसके पास में ज्यादा है वह समृद्ध होगा, वो रिच हो जाएगा, उसको जो चाहिए वो मिलेगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है तो उसके पास जो भी है वो उसके पास से वापस लिया जाए। तो जब भी आप कृतज्ञ है, ग्रेटिट्यूड आपके पास में है, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे, राइट। तो जब भी आप सुबह उठे तो सुबह की रोशनी के लिए आप धन्यवाद दें, आप अपने जीवन के शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का आपको कोई कारण नजर नहीं आ रहा है तो दोष आपका ही है। आपको जहां वहां आपको धन्यवाद देने का मौका मिल सकता है, ग्रेटिट्यूड का मौका मिल सकता है, थैंक यू बोलने का मौका मिल सकता है, और आप जितने भी जगह जहां जहां आप काम कर रहे हैं सुबह से रात तक, तो आपको वहां वहां सब आपको मिलेगा। मोरल लाइन क्या है, जब भी वो वीडियो बताया किसने, तो भी कमेंट डाल दिया कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द लाइन, मोरल ऑफ द स्टोरी है, मोरल ऑफ द वीडियो, ऐसा था वो कि जितना मजा आपको आ रहा था, जितना मजा जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे वैसे वैसा ये मजा धीरे 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 कम होता जाएगा। हम चाहते हैं कि आप बड़े होने के बाद में भी आज जो आपको मजा आ रहा है वही मजा आपको बाद में भी मिलना चाहिए, और वो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ठीक है ना। अभी हम जाते हैं अपने जीवन को जादू में लाने, जादू को लाने का है, तो कैसा लाना अपने जीवन को हरदम के लिए, आज जो आपको लग रहा है मजा लग रहा है हरदम के लिए आप जादू कैसा लाएंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ से है, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है, जो भी आप है जैसे भी आप है, कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा, आपके समूचे जीवन को वो बदल देगा, वो जादू यदि आप आपके जीवन में लाते हैं तो, ठीक है ना। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। यदि आपको ज्यादा पाना है तो आपको कृतज्ञ होना पड़ेगा। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं, यदि आप कृतज्ञ नहीं है। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन, और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक। जब आपको स्वास्थ्य अच्छा होना है, आपके संबंध अच्छे होने, म्यूट करवा के रखो, संबंध अधिक खुशी, अधिक धन, अधिक अच्छी नौकरी, अधिक पढ़ाई, अच्छे मार्क, अच्छा ग्रेड स्कूल में आना, अच्छा जो भी आपको चाहते हैं आप, तो आप आपका करियर आगे चल के, जो कारोबार आप कर रहे हैं तो अपनी उन्नति आपको चाहिए, तो आप एक प्रवाह को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो भी चाहिए, दरअसल जो भी आपको चाहिए तो पाने के लिए आपको देना होता है, यह नियम है। इफ यू वॉन्ट समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग।
कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना है, आपको देना है, देने की भावना रखना है, और उसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं। यदि आपके पास में थैंक यू का भाव नहीं है, धन्यवाद का भाव नहीं है, आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं है, तो फिर आप जो है जादू की डोर आपको मिलेंगे नहीं, आप वो काट देंगे, तथा हर चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। तो कृतज्ञता कृतज्ञता कृतज्ञता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये इसमें होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा एक ये कर देता हूं इसके साथ में, और एक बताता हूं कि ज्ञान एक खजाना है, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। इब्न खल्दून अल मुकद्दिन, इन्होंने 1332 1406 इसमें उन्होंने बताया था कि ज्ञान एक खजाना है और अभ्यास जो है ना वो उसकी कुंजी है, ठीक है ना। तो ज्ञान तो आपको बहुत मिलेगा, आपको ज्ञान तो अभी आज अपने पास में ऐसा मौका है कि हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल अपना इतना अच्छा दोस्त है कि जहां भी आप जाएंगे फटाफट फटाफट आपको ज्ञान मिलेगा, आप ज्ञान मिलता है बहुत लेते जाते हैं। हर आदमी ज्ञान का भूखा है, मगर ज्ञान लेके कुछ फायदा होता नहीं। अप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आप यदि नॉलेज को अप्लाई कर देते, उसका अभ्यास करते, उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसका फायदा होगा। तो उसकी कुंजी क्या है, वो खजाने का ज्ञान जो है, उसका खजाना जो है, उसकी कुंजी क्या है, उसकी चाबी कौन सी है, उसकी चाबी है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो यहां तक मैं थोड़ा सा रुकता हूं, और आपको किसी को यदि कुछ पूछना है, शेयर करना है, बताना है, तो मैं एक मौका देता हूं मैं आपको, ये थोड़ा सा हम इंटरेक्शन करेंगे। आपका हाथ ऊपर है कनक वधवानी का, उनको आप ये कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, आज तो अनम्यूट फॉर्म भेजना है। कनक आपको कुछ शेयर करना है, कनक माधवानी, यस यस सर, यस बोलो। नो सर, जस्ट अ मोमेंट बिफोर यू सेड दैट दोज हु वांट टू कंटिन्यू दिस सेशन रेज योर हैंड्स। ओके, नहीं मैंने ये नहीं पूछा, सॉरी आई फॉरगॉट टू लोअर माय हैंड, या ठीक है मनीष, मैं एक फ्लो में हूँ तो फिर बाद में बात करेंगे आप, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप क्या बोलने वाले हैं। मनीष थोड़ा सर आप इंग्लिश में ज्यादा बोले तो अच्छा रहेगा, थैंक यू। नहीं नहीं, इंग्लिश हिंदी सबको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कार्मेल में, और अपन कुछ कुछ शब्द करने वाले हैं, कुछ कुछ शब्द इंग्लिश में ज्यादा बोले प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, देखते हैं। ओके, तो ये है, और किसको कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। सो जादुई फॉर्मूला क्या है, जादुई फॉर्मूला, अपने जीवन में चमत्कार करना है, बहुत खुशी की जीवन जीना है, बहुत कुछ चाहिए आपको, जो चाहते वो मिलाना है, तो जादुई फॉर्मूला यह है कि जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे, जहां जहां आपको मौका आता है वहां वहां आपने यह जादुई शब्द, यह मैजिकल वर्ड है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये आप शब्द कहे। आप जब आप जानबूझकर जादुई शब्द का धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। जितना आप ज्यादा ज्यादा बोलेंगे उतना आप ज्यादा ज्यादा महसूस करेंगे। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते और महसूस करते हैं, आपको उतनी अधिक समृद्धि मिलती है, आपकी अधिक समृद्धि हो जाएंगी, अधिक आपको वो मिलेगा। जितनी ज्यादा आप सोचेंगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा। हमारे साथ में डॉक्टर राधिका केकर जो है वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, वो भी ज्वाइन हो चुकी है, सो थैंक यू वेरी मच राधिका फॉर ज्वाइनिंग। फिर हम देखते हैं आगे कि आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा, वट एवर यू गिव यू रिसीव एंड इन द इक्वल प्रपोर्शन। इसका अर्थ यही है कि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी अधिक भावनाओं के समान ही बढ़ेगा। जितना अधिक आप देंगे, वट एवर यू गिव यू विल रिसीव, मगर आप जब देते हो, जब आप देते हो तब आपने ये भाव से देने का नहीं है कि मुझे क्या मिलने वाला है। यदि आप वो भाव से आप देंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। जब वो भाव से आप देते हैं इन्हें मुझे देना है, तो आपको उससे कई गुना अधिक, हजारों गुना अधिक आपको मिल सकता है। मगर भाव कौन सा होना, देने का, सिर्फ देने का भाव है ना, तो वो हमको हरदम रखना है।
जब हम कृतज्ञता अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं है बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा है, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति थे 1917-1963 में, कि आपको सिर्फ पोपटपंजी पैरटिंग नहीं करना है, पैरटिंग डोंट हैव टू डू पैरटिंग, ओके थैंक यू आ गया समझ। हम क्या करते हैं, किसने हमने को कुछ दिया हम बोलते थैंक यू, उसने दरवाजा लगा दिया थैंक यू, उसने ये कर रहे ओके थैंक यू वेरी मच। आप तो बोलेंगे हम तो थैंक यू बोलते ही रहते हैं, मैं वो थैंक यू की बात नहीं कर रहा हूँ। वो थैंक यू ज्यादातर पोपटपंजी रहती है, पोपटपंजी बोलते हैं ना पैरटिंग, पैरटिंग रहता है। और पैरटिंग में आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी किसे थैंक यू ओके ओके थैंक यू वेरी मच ऐसा बोलते रहते हैं। समझो किसने हमको पानी ला के दिया बोलते ओके थैंक यू, किसने हमको कुछ सर्विस दिया हम बोलते ओके थैंक यू, हम वो थैंक यू की बात नहीं कर रहे। हम थैंक यू जब बोलते हैं तो थैंक यू अंदर से महसूस होता है क्या, थैंक यू अंदर से हमें महसूस होगा क्या, वो थैंक यू की हम बात कर रहे हैं कि हम थैंक यू अंदर से महसूस करेंगे, ठीक है ना। और वो थैंक यू की हम बात करेंगे तो हमें पता चलेगा और सामने वाले को कहने लगे सच्ची मन से वो थैंक यू बोल रहा है, वो बटरिंग नहीं होगा, वो ऐसा कुछ मलम पट्टी करना है मस्का लगाने का है वो काम नहीं गिनना है, वो ऐसा काम अपने को नहीं करना है। हम अब जाएंगे अभी सबसे पहला लेसन जो है वो पहला लेसन जो है उसके तरफ जाएंगे कि अपनी नियामतें गिने। नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर ट्रबल्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड नॉट योर ट्रबल्स। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना, नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स, जब हमने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया तो वो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। विली नेल्सन गायक गीतकार है, उन्होंने बताया नियामतें गिनो, ब्लेसिंग्स क्या है गिनो, मेरी ब्लेसिंग्स क्या है, मुझे नियामतें क्या है, मुझे क्या क्या मिला है, मुझे क्या वरदान मिले हैं, कौन से वरदान मुझे मिले हैं, कौन से ब्लेसिंग्स मुझे मिले हैं। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास न हो कि अपने नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदलता जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। जो भी चीज आपके पास में है उसको आपको कृतज्ञ होना है, जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिला हुआ है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। और जब आप जो भी आपके पास में है उसको आप कृतज्ञ होते हैं तो आपको जो भी कुछ मिलता है और मिलेगा और मिलता जाएगा और वो बढ़ता हुआ देखेंगे। तो आपको क्या करना है, अभी आज आप अपने जीवन की उन 10 ब्लेसिंग्स की, नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ऐसी आपको सूची बनाने का है। कौन से बना सकते हैं आप, कुछ भी। आप किसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, आप इसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं कि आज हम ये प्रोग्राम कर सके क्योंकि आज हमारे पास में वाईफाई है या मोबाइल का डेटा है, इसलिए मैं उसके लिए ग्रेटफुल। अच्छा, मोबाइल जिन्होंने निकाला या लैपटॉप के कुछ लोग होंगे जिन्होंने ये इसकी खोज किया उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मुझे मेरे माता पिता घर में है वो मुझे सब सप्लाई करते हैं, जो भी चाहिए मुझे वो देते हैं, मुझे कपड़े देते हैं, मुझे खाने को देते हैं, मुझे पढ़ाई के लिए देते हैं। उन्होंने ये लैपटॉप दिया है या उन्होंने मोबाइल दिया है इसलिए मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप माता पिता के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप आपके भाई बहन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं वो मकान के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप पानी पीते हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप सभी के लिए जो भी आपके पास में ब्लेसिंग्स दी हुई है, जो आपके पास में है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। और आपको क्या करना है, मैं आपको बीच बीच में अभ्यास देते जाऊंगा, आपको 10 बातें ऐसी लिखनी है, 10, और अभी ये 10 दिन तक रोज 10 चीजें लिखनी है, 10। और ये ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना है कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं, रियली आई एम ग्रेटफुल। व्हाई, क्योंकि आई हैव, मेरे पास ये है। और क्यों ग्रेटफुल है आप, कि मेरे पास में मेरी माँ है, क्योंकि माँ मुझे रोज सुबह ब्रेकफास्ट तैयार करके देती है, खाना तैयार करके देती है और खाना खिलाती है, इसलिए मैं माँ का ग्रेटफुल हूं।
मैं पिताजी का ग्रेटफुल हूँ क्योंकि वो मुझे जो भी खर्चा करने के लिए पैसा कमा के देते हैं और मुझे जो भी खर्चा लगता है, स्कूल का खर्चा, खाने पीने का, चॉकलेट आइसक्रीम जो भी मुझे चाहिए वो ला के देते, इसलिए मैं पिताजी का ग्रेटफुल हूँ, मेरे डैडी का ग्रेटफुल हूँ। तो आपको ऐसा मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई को, क्योंकि वो भाई मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, पढ़ाई में सपोर्ट करता है, उसे बहुत सपोर्ट करता है। तो मैं भाई के लिए, मतलब आप जिसके लिए भी धन्यवाद आपको देना है, वो व्यक्ति का नाम या वो चीज या वो सिचुएशन, और आप उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हो, ऐसी आपने चीजें 10 लिखनी की है और ये आपका एक अभ्यास है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अपने 10 नियामतों की मतलब ब्लेसिंग्स की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन में या जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द है, जादुई शब्द कौन सा है, ये जादुई शब्द है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो 3 बार दोहरा है और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। देखो यहाँ और एक महत्व का शब्द है कि उसको महसूस करना है मतलब उसको फील करना है। ऐसा नहीं है कि बस थैंक यू बोलिए, हाँ मम्मी को बोला मम्मी थैंक यू तुमने मेरे को ब्रेकफास्ट दिया, ऐसा नहीं है। डैडी थैंक यू क्योंकि तुमने मेरे को आइसक्रीम ला के दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक्चुअली महसूस होना है, एक्चुअली रहना है कि मम्मी तुमने मुझे आज सवेरे ब्रेकफास्ट दिया, आज सुबह मुझे उठाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको ऐसा 10 लिखना है, 10 लिखना है, पढ़ना है, और पढ़ने के बाद में महसूस करना है और थैंक यू उसको बोलना है। तो इसका अभ्यास क्या है, अपनी नियामतें गिने, सुबह पहले अपने जीवन की, रोज सुबह उठना है और अपने जीवन की 10 नियामतों की सूची बनाए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यह लिखे कि आप हर नियामत के लिए कृतज्ञ क्यों हैं, why you are grateful to that particular place। अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़े। जब आप नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू लिखे। सो नाउ यू हैव टू राइट डाउन 10 ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स, व्हाटएवर 10 ब्लेसिंग्स यू हैव इन योर लाइफ, राइट डाउन। एंड नाउ दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू फॉर 10 डेज कंटिन्यूअसली, 10 डेज, 10 न्यू ब्लेसिंग्स यू हैव टू राइट डाउन, डेली 10 न्यू ब्लेसिंग्स। And once you write down all the 10 blessings, then read it, and then after reading, again read it first, second, third. After reading the first, say thank you. So, uska naam, why you are saying thank you? Second, naam, why you are saying thank you? You know, like this. So, you have to continue. So, isme aur kya karna hai? Isme ek minute. Yeh likhe ki aap har niyamat ke liye krutagnya kyun hai? अपनी सूची या तो मन ही मन में या जोर से पढ़े, वो लिस्ट आपको यू हैव टू रीड इन द माइंड। जब आप नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहे और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं, रोज आपको ये 3 कदम दोहराने के, डेली डेली। आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों को सूची बनाना है, आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें, जब आप कृतज्ञता अपने जादू को, जब पहले मैंने जो बताया वो 5वां पॉइंट फिर से बता रहा हूं, और आपको क्या काम करना है, 5वां पॉइंट, आपको जो भी आप चाहत है, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपको चाहत है, डिजायर्स है, वो भी उसकी भी एक सूची बनाना है। और आपका काम यह लिखना नहीं है कि वो चाहत कैसी पूरी हो, आपका काम यह है कि आपको वो चाहत है, वो डिजायर है, ठीक है ना। तो आपकी चाहत यह हो सकती है कि नहीं, मुझे अभी 10th क्लास में मुझे फर्स्ट रैंक लाना है, फर्स्ट रैंक इन द स्कूल या फर्स्ट रैंक इन द बोर्ड फॉर एग्जांपल। मेरी चाहत यह है कि मुझे अच्छे से अच्छे एक नोटबुक खरीदने का, मुझे चाहत यह है कि अच्छे से अच्छी मुझे बैग चाहिए, मुझे चाहत यह कि जो भी आपकी चाहत है, मुझे चाहत है कि मुझे ये करना है, जो आपको जो भी चाहिए वो चीजें आपको 10 चीजें लिखना है इसके साथ। देखो मैंने 2 बातें बताई, पहली बात ये बताई मैंने कि जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है वो आपने 10 लिखना है, और ये 10 जो है वो है कि आपको जो पाने का है वो लिखने का है। कैसा पाने का है वो मत लिखो, उसका कुछ नहीं करने का, कैसा पाने का है वो नहीं लिखने का है, उसकी चिंता मत करो, सिर्फ लिखो कि आपको क्या चाहिए। तो आपकी चाहत आप लिखेंगे और आप कैसा पाएंगे वो भी आप लिखेंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो है जादुई पत्थर, है ना, मैजिकल रॉक, मैजिकल स्टोन। तो अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है,
न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों के ऊपर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं, ठीक है ना। तो वर्तमान ब्लेसिंग्स जो है, वट एवर ब्लेसिंग्स यू हैव, जो आपके पास में भरपूर है उसके ऊपर विचार करो। अपने दुर्भाग्य जो है, बैड लक जो है, उसके ऊपर विचार करना नहीं है, है ना। चार्ल्स डिकेंस लेखक है, उन्होंने कहा है ये 1811-1817। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको एक पत्थर खोजना है, स्टोन, छोटा स्मॉल, ये इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, छोटा सा लेना है और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लेना है। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको कोई वाकई अच्छा महसूस होना चाहिए। जब आप जादुई पत्थर चुन लेते हैं तो इसे सोने जाते वक्त देखे, अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले अपने बेड के पास में, ताकि आप अपने सोने जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। अभी देखो, ये मैं कोई ब्लाइंड फेथ की, अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। जादुई पत्थर मतलब आप कोई भी पत्थर ले सकते हैं, कोई भी पत्थर अपने घर के बाहर, आप जब जाएंगे रास्ते पे जाएंगे, कोई भी आपको, ये आपको बता रहे मनीष सेठी जी, है ना, कोई भी पत्थर आप ले सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि जादुई पत्थर है। इसमें कोई अंधश्रद्धा मत लाना है, कोई जादू नहीं है, कोई ऐसा कुछ मैजिक होने वाला नहीं है, कोई भगवान आपके ऊपर कोई बौछार करने वाला नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एक एंकरिंग, इसको एक और शब्द दिया हुआ है एंकर। एंकर मतलब खूंटी, खुटी रहती है ना, जिसके ऊपर अपन शर्ट टांग देते हैं, अपनी पैंट टांग देते हैं, ऐसा हुक, तो वह एंकरिंग जैसा ये पत्थर है। इसका हमने देखना है कि ये पत्थर के बदले आप उसको बोलो कि ये एंकर है, खुटी है ये, या हुक है, जिसके ऊपर आप अपना शर्ट पैंट जो भी अपन उसको डालते हैं, वैसा ये पत्थर, उसका इस्तेमाल हमको वैसा करना है। मगर लेखिका ने, ऑथर ने उसको जादुई पत्थर कहा है, वो पत्थर में कोई जादू नहीं है और आप इसको अंधविश्वास मत डालिएगा इसमें। हमने क्या करना है कि आज रात आप सोने के लिए जब बिस्तर पर जाएंगे तो उसे ठीक अपने हाथ में पकड़ लेना है, वो जादुई पत्थर को, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद करें, ठीक है ना। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करना, सभी अच्छी चीजें जो दिन भर में हुई उसके बारे में विचार करना है। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, सब अच्छी चीजें जो उसे धन्यवाद के, उसके बाद जादुई पत्थर के सिराने उसकी जगह पर दोबारा रखे और बस काम खत्म। आपने क्या करना है कि जो भी चीजें हुई है आज दिन भर में, जो भी आपने काम किया है उसके, उसमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी हुई है वो याद करना है। पत्थर हाथ में लेने का है, रॉक हाथ में लेने का है, बोलना थैंक यू और वो रख देने का है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो है वो सोने के समय जब आप कृतज्ञता के भाव में सोते हैं, जब आप थैंक यू के भाव में सोते हैं, जब आप ग्रेटफुल होके सोते हैं, आपको पता है कि आपका माइंड जो है सबकॉन्शियस माइंड वो सोता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड चालू रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को हमने काम देके रखा है, कौन सा काम, अभी ग्रेटफुल रहो। तभी जब नींद में आप रहेंगे तभी आप बहुत अच्छे ग्रेटफुल रहेंगे, आप सुबह उठेंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद होने का एहसास होगा, आपको बहुत अच्छी, आपका फ्रेश लगेगा और आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए आपने वो ग्रेटिट्यूड रॉक रखना है, अपने हाथ में रखना है, मुट्ठी में लेना है सोने के समय, और जो भी कुछ दिन भर में अच्छा काम आपने किया हुआ है सबसे अच्छा, तो उसको याद करके उसको थैंक यू बोलने का है। देखो आपकी नींद इतनी फर्स्ट क्लास हो जाएंगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम थॉट्स डाल रहे हैं अपने ब्रेन में, अपने सबकॉन्शियस। साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, साइंटिफिक बेस क्या है कि हम हमारे ब्रेन में अच्छे थॉट्स डाल रहे हैं और अच्छे थॉट्स डाल रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं, उसमें आपकी नींद बहुत रिफ्रेशिंग हो जाएंगी, कम समय में अच्छी नींद हो जाएंगी और आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमने आपको बताया कि भाई वो स्टोन को हाथ में लेके, वो स्टोन पे लेके अपनी नियामतें गिनना है, सूची बनाना है, यानी 1-3 तक कदम दोहराने का है और ये सब आपको काम आज करने का है। अब तीसरा मैं पार्ट ले रहा हूं आज, पहला पार्ट लिया था मैंने ब्लेसिंग्स का, कि काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स, नंबर वन। नंबर दो मैंने लिया था कि भाई आपकी डिजायर्स क्या है, जो भी डिजायर्स है वो 10 डिजायर्स गिनो। नंबर तीन मैंने लिया था स्टोन का, और ये जादुई संबंध जो है वो अभी हम देखेंगे। हमें केवल संबंध, रिलेशनशिप्स, है ना, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे होना जरूरी है,
और रिलेशनशिप के लिए जो भी हमारे अच्छे रिलेशनशिप है उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, उसके लिए कृतज्ञ हम होते हैं, उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो हमारा जीवन जादू हो जाएगा। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है। हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है, ठीक है ना। तो ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हो। तो आज से आपने कभी भी कुछ भी शिकायत करना नहीं है, कुछ भी शिकायत करना नहीं है। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट, है ना, नो कंप्लेंट्स। आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, जो भी आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। आप बोलते कि वो वैसा है, आप भी वैसे बन जाते, वो वैसा है, आप भी वैसे बन जाते, आप कंप्लेन करते हैं, आप भी वैसे चिड़चिड़े बन जाते। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है कि भाई आपको ग्रेटफुल होना है रिलेशनशिप में। तो जो भी आपके रिलेशनशिप है, शब्द इतने जबरदस्त होते हैं शब्द, और हम लोगों के प्रति शब्द मतलब कृतज्ञ नहीं है, हम अनग्रेटफुल है लोगों के, तो कितना बुरा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप कोई भी तीन संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं, तीसरा काम है आपका नेक्स्ट। पर जरूरी है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो, आपका आपके पास में उसका फोटोग्राफ हो, आप मोबाइल में फोटोग्राफ रख सकते हैं, मोबाइल में फोटो ले सकते हैं, और वो तीन करीबी लोग मतलब आपका आपके मम्मी, आपके डैडी, आपका सिस्टर, आपके ग्रैंडफादर, जो भी आपके घर में है, उनके तीन लोगों के फोटोग्राफ आपने लेने के है, और उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं, कौन से अच्छे पॉइंट है, गुण कौन से है, है ना, कौन से गुण है वो व्यक्ति में, तो वो गुण जो है वो देखना है, और वो आप उसको धैर्यमान मतलब धैर्यमान मान सकते हैं, उसकी सुनने की योग्यता काबिलियत क्या है, उसकी शक्ति विवेक बुद्धिमानी है क्या, हंसी मजाक करने वाला है क्या, हास्य बोध है, आंखों है मतलब उसकी आंखों के बारे में, मुस्कान के बारे में, जो भी है उसकी खूबियां, वो आप उसके लिए, वह दयालु होगा तो उसका हृदय दयालु है, उसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जो भी उनके बारे में उनकी खूबियां आपको अच्छी लगती है, तो वो खूबियों के बारे में आप कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आना है। आपको करना क्या है कि तीन व्यक्ति के फोटोग्राफ लेना है, आपके घर के तीन व्यक्ति, व्यक्ति का नाम लिखा है, लिखना है ऊपर मम्मी, उनके बारे में पांच अच्छी खूबियां लिखना है कि कौन से पांच अच्छी चीजें मम्मी के बारे में आपको लगती है, वो आपको लिखना है, डैडी है डैडी के बारे में, सिस्टर है ब्रदर है उनके बारे में करना है, और फिर पांच खूबियां चुने जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं, और जब आप पांच खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और उसका नाम लिखे, साथ ही साथ ये भी लिखे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। मतलब आप लिखते हैं मम्मी, उसकी पांच खूबियां लिखे, उसको धन्यवाद बोलो, और वो धन्यवाद क्यों है, मम्मी मम्मी के पांच गुण है कि बहुत प्यारी है, बहुत केयर लेती है, बहुत मेरा काम अच्छे से कर लेती है, मुझे सपोर्ट करती है सब चीजों में, तो इसलिए मैं मम्मी को पांच चीजें लिखना है, ऐसी धन्यवाद देता हूँ और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, ठीक है ना। ऐसी पांच चीजें लिख के वो आप क्यों हैं उसके लिए, मम्मी को पांच खूबियां लिखने के बाद में तो उसके लिए धन्यवाद क्यों वो लिखने का है, ठीक है। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने में मदद किया या कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद किया, ऐसा धन्यवाद आपको देना है, ठीक है ना। और ये अभी तीसरा अभ्यासक्रम है कि उसमें फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि आपको 10 ब्लेसिंग्स की सूची बनाने का है, नंबर एक, इसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो 10 ब्लेसिंग्स। फिर मैंने आपको बताया कि तीन सबसे करीबी संबंध उनकी तीन फोटोग्राफ, वह आपको करने का है, मैं आपको सब ये डाल दूंगा इसमें, और हर वाक्य जो है वो धन्यवाद 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 करके करना है, और 10 अपनी डिजायर्स, 10 डिजायर्स, और आपका जादुई दगड़,
ये चार काम आपको करने का है ताकि आप बहुत अच्छा एक जादू आपके जीवन में महसूस करेंगे।